देश में चुनावों के वक्त एक नाम काफी सुनने को मिलता है और वो है प्रशांत किशोर का। आज की वीडियो में बात उनके द्वारा कुछ गोदी मीडिया चैनलों को दिए गए इंटरव्यू की करेंगे, जिसमें उनके द्वारा एंकर्स की क्लास लगाई गई हो। CNN न्यूज 18 पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने प्रशांत किशोर को अपने सवालों में घेरने की कोशिश की, पर प्रशांत किशोर ने ऐसा करने से एंकर को रोक दिया। घंटों घंटा आपने प्रोग्राम चलाया है कि भाई ये आदमी तृणमूल छोड़कर चला गया जी। अब मान लीजिए कि कल मैं तृणमूल के साथ काम न करूं, उससे क्या बंगाल की जनता अपना वोटिंग प्रेफरेंस चेंज कर देगी? डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, तो पीपल हैव स्पोकन टुडे, पीपल हैव। मैं देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जस्ट बिकॉज आज तृणमूल जीत गई है तो मैं बहुत बड़ा होशियार हूं, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। जी बिल्कुल, संभव है कि हम लोग हार भी गए होते, कोई उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन एज ए मीडिया, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए कॉमेंटेटर, आप उन्हीं चीजों को अगर आपने खुद ही आंख बंद किए हुई है या आपने कलर्ड चश्मा पहना हुआ है, तो आपको वो चीज दूसरी तो दिखती नहीं है, या आप देखना नहीं चाहते। हम लोग कौन है बोलने वाले? नहीं नहीं नहीं, सही बात है। आपको तो ऐसा लगता है मीडिया, मेरा कुछ क्रिटिसिज्म आपसे कुछ है नहीं, मैं मीडिया को इतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूँ कि मीडिया मेरे साथ नहीं होगी तो हम चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि अगर मीडिया के साथ न होने से चुनाव हार रहे होते, तब तो हम आज तक कोई चुनाव जीत ही नहीं सकते थे। रिपब्लिक भारत पर अर्णब गोस्वामी ने प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लिया। अर्णब ने प्रशांत किशोर से बंगाल चुनाव पर सवाल किया, जिस पर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर टिप्पणी की, लेकिन एंकर ने उन्हें बीच में टोका, जिस पर प्रशांत किशोर ने अपने जवाब से एंकर को चुप करवा दिया। In December, I have said BJP will struggle to cross double digit. After 3 rounds of poll in Bengal, if there is anything, my conviction and my confidence is much more than what it was in December. BJP will struggle to cross 100. That's the usual kind of statement. It's not a usual kind of statement. I have even added by saying that if this turns out not to be true, I will quit this job. I will quit what I do, what I have been doing in last 7-8 years. If the BJP crosses 100, what will you do? I will leave this space completely. There'll be no ambiguity. I will cease to exist as political aid in the form and manner in which I have been in last 7-8 years. Why have you made it so personal? It is not personal. It is personal. I tell you why. Because since the time I am doing this job, people who work with me, they know that it has been always my position that the day we are not able to deliver the way we want, we must not be in this space. India Today पर बंगाल चुनावों के मुद्दे पर प्रशांत किशोर का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने प्रशांत किशोर से एक तरह का सवाल बार बार किया, जिस पर प्रशांत किशोर ने एंकर की क्लास लगा दी। Say Prashant, maybe this is because you're really tired right now. You've been going crazy. So because Rahul, yes Prashant, Rahul was so apprehensive that whether I will stay true to what I have been claiming, that if BJP were to cross 100, I will quit this space. He would simply not believe, and I would not find fault with him, but like any other person would not believe. I am telling that even after being proved right, I will cease to. Why are you giving this space up? It's such a big victory. No, why are you giving up this space? Two big victories. You're the man who's shown he has the Midas touch. Because this is not what I have ever wanted to do all my life. I have done my bit. IPAC has got very able people, my colleagues, the senior colleagues at IPAC. They are far more capable than me. And I'm very confident that they will be able to do a better job than me. I should take a break and try out my hand at something else. बंगाल चुनाव के मुद्दे पर बात करने के लिए आज तक पर प्रशांत किशोर का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर रंजना ने प्रशांत किशोर के कुछ बयानों पर सवाल किया, जिस पर जब वे जवाब दे रहे थे तो एंकर ने बीच में टोक दिया, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी एंकर को सुना दिया। मेरा सवाल दरअसल ये था कि आपने उसमें मुस्लिम तुष्टिकरण को स्वीकारा है? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने दूसरी बात कही? फिर वही बात है, मुस्लिम तुष्टिकरण का कसूरवार? बिल्कुल नहीं। सवाल देखिए, आप यही बात है, जब किसी भी चीज को, मैंने कहा ना जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला कि आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। इफ को हटा दीजिए, इफ समवन विंस, और इफ को हटा दीजिए और कहिए कि ये कह रहे हैं समवन विंस। सवाल ये किया गया है कि भाई भाजपा ध्रुवीकरण क्यों कर पा रही है? क्या इसका सारा दोष मीडिया को दिया जाना चाहिए कि भाई इसमें जो मीडिया का अपना योगदान है वो भी है, जो जिस तरह से सरकारें चली हैं उसका मीडिया का योगदान? बिल्कुल, अगर आप एक सेक्शन ऑफ मीडिया है जो उसको लोग मानते हैं कि ये सपोर्टिव है या प्रोपेगेंडिस्ट होगा, एक हिस्से को मीडिया को प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। ये भी है, मैं मेरे से सवाल ये पूछा गया, पश्चिम बंगाल के पत्रकारों को ये हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख सके? यही तो हालत है। देखिए, बराबर नहीं है, जो सत्ता में होता है उसका थोड़ा बहुत
दबाव पत्रकारों पर या समाज पर होता ही है, उस बात को मानकर चलिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं। CAA NLC के मुद्दे पर ABP न्यूज पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने प्रशांत किशोर को CAA NLC के मुद्दे पर जनता में भ्रम न फैलाने को कहा, जिस पर प्रशांत किशोर ने एंकर को फटकार लगा दी। मूड ये कह रहा है NRC होगी और आप जो अभी लॉजिक दे रहे हैं, देश का मूड आपको कैसे पता है? सर्वे किया है सर। अच्छा, आप जितनी सर्वे करते हैं ABP में है, और मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, सर्वे करना तो जरूर आता है। ABP से कम सर्वे हम लोग भी नहीं करते हैं। मुझे देश का ऐसा मूड कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर जैसा आप बता रहे हैं कि देश का मूड आपके पक्ष में है, NRC के पक्ष में है, तो रोड पर उतरे हुए लोग कौन है? ये क्या पाकिस्तान से लोग आए हैं? ये देखिए ना, 65% कह रहे हैं हाँ NRC लागू करना चाहिए। आपका सर्वे है, 20% कह रहे नहीं। बिल्कुल, ये रूबिकाल लियाकत जी की सर्वे है। आपको ये भी आपको बताना चाहिए देश को, संस्थान का किसी एक एंकर का सर्वे नहीं है। ठीक है तो ABP को ये देश को बताना चाहिए कि इसका सैंपल साइज क्या है, किसने किया है, कैसे किया है। सब बताया था सर। और नहीं, आप ऐसा नहीं है, आप एक बात सुनिए ना, आपका एक सर्वे है, आपका एक ओपिनियन है, आप देश के सामने रखिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आपने सर्वे कर लिया, इसी के आधार पर देश चलेगा, ऐसा तो संभव लॉजिक पर जाते। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।